हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पार्ट 3 में। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और 2 में बताया था कि आलू की खेती कैसे किया जाता है, और पार्ट 2 में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से इसे पटाया जाता है और किस तरह से खेती किया जाता है। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था, और ये जो है आप पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे स्प्रे किया जाता है ये पटाने के बाद, खेत को पटाने के बाद जो है इसे स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जो है खेत में ये जो है खौर ग्रास यार जो है स्मॉल साइज़ का, ये ना निकले, ये यहीं पे सूख जाए। अगर निकलेगा तो फिर जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, आलू और मकई नहीं नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम स्प्रे करेंगे इस खेत में, वो भी मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। और आप लोग जो बथुआ साग खाते हैं बाज़ार में ख़रीद के, वो भी इसी खेत से निकलता है। ये ऑटोमेटिक खेत में जन्म जाता है, इसे रोपा उपा नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक होता है। देखिए सगर है खेत में, इसे ऑटोमेटिक होता है। बथुआ साग इसका नाम है, इस साग का नाम बथुआ है। ये ऑटोमेटिक पूरा खेत में है, अपने आप जन्मता है, इसे रोपा उपा नहीं जाता। ये आलू के महीने में ही हर बार अपने आप होता है, और आप इसी महीने में खाते भी होंगे, नवंबर दिसंबर महीने में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है दवा घोरा जाएगा स्प्रे के लिए, कौन कौन सा दवाई दिया जाएगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन सा दवाई दिया जाएगा वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। पानी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले से हमने भर रखा था इसमें पानी। अब इसमें दवा दिया जाएगा, ये जो है विटामिन दवाई है, इसे 10 ml दिया जाएगा, 30 ml का, और 30 ml दिया जाएगा पूरा इस डब्बा में। एक अथी इसका 10 ml का है, 3 बार दिया जाएगा। विटामिन है जिससे आलू फरेगा। ये 3रा बार दिया जा रहा है, 30 ml हो गया। देखिए ये विटामिन है, इसका नाम है मीराकुलन, इसे मीराकुलन 30 ml दिया गया है इस पूरा अथी में इसको, जिससे कि ये मोटा होगा आलू तब जाके फरेगा। अब दूसरा दवाई दिया जाएगा निकाल के, ये जो है बारूद नाम है इस दवाई का, ये भी दिया जाएगा 30 ml पूरा इस डब्बा में। कीटनाशक, ये कीटनाशक है, इससे कीड़ा उड़ा मर जाता है, और वो जो इसे पहले दिया गया था वो विटामिन था, उससे मोटा होता है गाज वो फल फूल, ये भी 30 ml दिया जाएगा, इसे 3 बार दिया जाएगा, 2 बार ही दिया जाएगा, क्योंकि ये कीटनाशक है, ज़्यादा देने पर भी हानि होगा, इसलिए 20 ml ही दिया जा रहा है ये। तो पिलू मिला, 30 ml दे ही देंगे तो एक तरह से ठीक रहेगा, ज़्यादा पिल्लू उल्लू नहीं लगेगा। 3 बार दिया गया ये भी, 30 ml विटामिन भी दिया गया था, और 30 ml ये बारूद दवाई भी दिया गया है इसमें। ये जो पूरा पानी है 16 लीटर का ये डब्बा है, देखिए 16 लीटर में 30 30 ml दिया गया है दवाई, 30 ml विटामिन, 30 ml बारूद कीटनाशक। अब फिर दूसरा दवाई दिया जाएगा इसमें, ये जो है धानों का दवाई है, इसे आलू स्प्रे किया जाता है, मकई यार इसका, ये देने से इससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें पल्ला नहीं मारेगा इस आलू में, पल्ला से बचाता है इसे, ये हरा ही रखेगा इस खेत को, ये आलू जो है आलू का पत्ता हरा ही रहेगा, इसे ये दिया जाएगा। इसलिए काटा जा रहा है इसको ब्लेड से, काटा जा रहा है। ये जो है 60 ml का है, देखिए 60 ml है सबसे ऊपर यहाँ पे, इसे 60 ml 3 बार दिया जाएगा, यानी कि पूरा मिला के बोले तो 180 ml टोटल दिया जाएगा ये धानों का। इस डब्बा से 3 डब्बा दिया जाएगा 60 ml इस 16 लीटर के डब्बे पानी में, तब फिर स्प्रे किया जाएगा इससे, ये जो पाला मारने से बचाता है। 3 डब्बा दिया जा रहा है अब,
20 से 60 ml से 60 ml तीन बार दिया जा रहा है। एक डब्बा हो गया, ये दूसरा डब्बा है। ये तीसरा डब्बा दिया जा रहा है। टोटल मिला के 160 ml सुगन बार 180 ml हुआ। टोटल मिला के 60 ml का है ये। 180 ml दिया गया है, उसमें पानी दिया जा रहा है और लगता है अब स्प्रे किया जाएगा। पंप दिया जा रहा है, हवा भरा जा रहा है तब निकल। देखिए फुहारा देने लगा है, फुहारा देने लगा है। अब स्प्रे किया जा रहा है, पूरा खेत में इसी तरह से किया जाएगा, पूरा खेत में इसी तरह से स्प्रे किया जाएगा। देखिए स्प्रे किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है आप देखिए ज़रा।